दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो स्विंग ट्रेड का एनालिसिस बताया हुआ था, तो दोनों का रिजल्ट आज हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आगे का आपको प्लान बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को स्विंग ट्रेड का प्लान करना चाहिए। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक था PNB, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्विंग ट्रेड दिया था। इसका मेन रीजन ये था दोस्तों कि ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। इस हिसाब से मैंने दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये एनालिसिस दिया था कि चांसेस आर वेरी हाई कि अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़े टाइम तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जरूर था, लेकिन अगर प्राइस को सस्टेन करता है तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ये देखोगे अगर आप, जैसे ही निफ्टी 25,000 के लेवल के आसपास तक गया, कहीं ना कहीं ये जो कैंडल थी ये देखेंगे कहीं कहीं ब्रेकआउट के आसपास जा रही थी, लेकिन इंस्टेंट जैसे ही निफ्टी में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, वैसे ही ये कैंडल नीचे साइड इनसाइड कैंडल के रूप में यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है। फिलहाल अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो जैसा कि हमारा हमेशा से एक रूल रहता है, 2 से 3 रुपए के स्टॉप लॉस हम डाल के काम करते हैं। और नो डाउट दोस्तों इसका मेन रीजन ये भी है कि हमारी क्वांटिटी साइज जो है वो काफ़ी बड़ी रहती है। लगभग दोस्तों यहाँ पे मैंने 5,400 क्वांटिटी होल्ड किया था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और स्विंग ट्रेड था मेरा, जो कि सन फार्मा का था। सन फार्मा का ये जो दोस्तों स्विंग ट्रेड था, ये ऑलरेडी इन दोनों स्टॉक्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सनफार्मा में मैंने आपको क्लियर कट बताया था दोस्तों कि आपको यहाँ पे 1600 के प्राइस से कहीं ना कहीं सेल करके चलना है, और मैंने आपको 2-3 बार ये रिमाइंड भी करा के चला था। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा 2 से 3 रुपए के स्टॉप लॉस गया, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमको कितना 32 रुपए का इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट मिल चुका है। यानी लगभग यहाँ पे दोस्तों हमारा 1:3 का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। दोस्तों यही होता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, कैसे आपको रिस्क को फॉलो करना है, ठीक है। और आप अगर रिस्क को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिए, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आप उसका अपोजिट जो है प्रॉफिट वो आपके हैंड में आना ही है। दोस्तों इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप फोकस करो, जो भी मैं एनालिसिस आपको देता हूं उसमें मेरी पोजीशन हमेशा बनी होती है। तो दोस्तों करीब 3600 क्वांटिटी सन फार्मा का भी मैंने शॉर्ट किया था, और यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो अभी ठीक ठाक पोजीशन मेरा चल रहा है। 50% रिमेनिंग मैंने क्वांटिटी बुक भी किया हुआ है। अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम आगे की क्वांटिटी को कुछ देखेंगे क्या करना है, फिलहाल मार्केट के कंडीशन के ऊपर। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी को। तो दोस्तों अगर निफ्टी की हम बात करें, तो निफ्टी कहीं कहीं यहाँ पे अभी फिलहाल जो इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग दिया है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे अभी यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब 24,501 अभी राउंड नंबर है निफ्टी के पास। अब देखते हैं कि ये अगला सपोर्ट कहाँ पे लेता है। हालांकि चांसेस आर वेरी हाई दोस्तों कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी को डाउनवर्ड साइड करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट 1 मंथ से काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, और काफ़ी स्ट्रेस अभी इसमें बाकी है नीचे साइड का, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें अभी भी मुझे 500 से 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर देखने के लिए शायद मिलना चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस और अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सन फार्मा की, तो दोस्तों सन फार्मा में हम लोग अभी बने रहेंगे अपने टारगेट के लिए, और टारगेट यहाँ पे मेरा काफ़ी बड़ा है। पहला टारगेट तो दोस्तों मैं 1550 रुपये के आसपास लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसको इस लेवल को तोड़ देता है सन फार्मा, तो फिर इसमें जो इसका नीचे का लेवल है 1500 रुपये, ये इंस्टेंट आपको सन फार्मा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे सन फार्मा को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये डबल टॉप बना चुका है। ये देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एक ह्यूज अपसाइड की रैली हुई, रैली के बाद कहीं ना कहीं ये देखेंगे डबल टॉप का फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका है, और इसी तरीके से सिमिलर इसका पोजिशन आपको मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखने के लिए मिलेगा। इन केस दोस्तों अगर ये 1500 के लेवल को भी ये सन फार्मा ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको और ह्यूज सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है।
क्योंकि मेन रीजन ये है, ये 1000 रुपये से स्टॉक 1600 रुपये तक ड्राइव कर चुका है। एटलीस्ट 600 पॉइंट का मूव दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मूव होता है, और ये कहीं भी ऐसा हुआ नहीं स्टॉक की जहाँ पे मेजर करेक्शन दिया हो, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहाँ पे हम लोग एक बड़े मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक में नज़र बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट स्विंग ट्रेड जल्दी ही दूँ, ठीक है। मेरी एनालिसिस चल रही है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट अगर मुझे किसी भी स्टॉक्स में समझ में आता है, बाय साइड या सेल साइड, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आप लोगों को रेगुलर स्विंग ट्रेड्स बताता रहता हूँ इंट्राडे के अंदर, ठीक है। इंडेक्स के भी ट्रेड्स अगर अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, तो आप लोगों को फॉर लर्निंग पर्पस इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।